हेलो, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमने ब्राइट स्किल क्रांति में टॉपिक लिया है वो है हाउ टू क्रिएट ब्लॉग। लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड किया था नेटवर्किंग स्किल में, हमने उसमें बताया था आपको कि ब्लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो ब्लॉग एक पोर्टल है कि जहाँ पर आप अपने वेबसाइट को जैसे मैनेज करते हो, या आपका एक पर्सनल वेबसाइट होता है कि जहाँ पर आप अपने व्यूज़ लिखते हो। तो व्यूज़ किसके ऊपर भी हो सकते हैं, आपके सोशल जो हैपनिंग्स होती है उसके ऊपर आप व्यूज़ लिख सकते हो, आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर आप अपने व्यूज़ लिख सकते हो, आपके थॉट्स, इमेजिनेशन, आपके पोएम लिखने की कैपेसिटी, इसकी जो भी टॉपिक हो उसके ऊपर आप लिखिए। आप वो पर्टिकुलर आर्टिकल को अपने सोशल टूल्स के थ्रू लोगों के पास पहुँचवा सकते हो। तो आप में से जो लोग अच्छे से लिख सकते हैं, जिनका रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, तो ये ब्लॉगिंग का अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जो लोग अच्छे से ब्लॉग लिख सकते हैं उनको बोलते हैं ब्लॉगर, एंड उनके एक्टिविटी को बोलते हैं ब्लॉगिंग। तो ये वीडियो अगर आप 3 to 4 मिनट्स का वीडियो देखोगे तो आपको एक सिंपल ब्लॉग कैसे बनाते हैं उसका पूरा गाइडेंस मिलेगा। एंड उस गाइडेंस को मिलने के बाद आप आज ही अपने ब्लॉग को तैयार कीजिए और उसको रेगुलरली मेंटेन कीजिए। ओके, तो ये था ब्लॉग का पूरा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी हम देखते हैं कि ब्लॉग को कैसे बनाया जाता है। तो ब्लॉग को बनाने के लिए आपको डायरेक्टली गूगल में जाना है। गूगल में आपको लिखना है ब्लॉगिंग। अब ये ब्लॉगिंग अगर आप लिखते हो तो बहुत सारे वेबसाइट आपके सामने आती है, जैसा wix.com एक टॉप लेवल पे चला है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट अगर आप देखोगे तो ये blogger.com ये एक सिंपल यूनिक वेबसाइट यूनिक ब्लॉग आपको बना के देता है। तो उसके लिए पहले आपको करना पड़ता है क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पहले गूगल के थ्रू साइन इन करना पड़ता है। तो हम अपने साइन इन करते हैं यहाँ पे। अभी आप जब साइन इन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा एग्जैक्टली कि आपका एग्जैक्टली ब्लॉगिंग का नाम दिखना कैसे चाहिए। डिस्प्ले नेम होता है आपका। तो सपोज हम लिखेंगे, अगर हम अभी एग्जांपल लेता हूँ कि टेक्निकल इन्फो लिखते हैं, तो ये मेरे ब्लॉग का नाम होना चाहिए। तो जैसे आप ऐसा नाम ढूंढी कि जो आपके पर्सनैलिटी को सूट करता है, आपके प्रोफेशन को सूट करता है, आपके क्रिएटिविटी को सूट करता है, तो यही नाम के ऊपर आपका आगे का ब्लॉगिंग चलेगा। तो आपने ये नाम लिया और आपने कंटिन्यू टू ब्लॉगर करके डाल दिया। ओके, तो ये आपको स्टार्टिंग में दिखेगा, उसके बाद क्रिएट न्यू ब्लॉग करके डालिए। अभी क्रिएट न्यू ब्लॉग करके जब आप आएंगे तो यहाँ पे टाइटल आएगा। तो टाइटल हमने दिया था टेक्निकल इन्फो। अब ये एड्रेस है, एड्रेस मतलब आपको एग्जैक्टली कौन से नाम से ब्लॉग, कौन से एड्रेस से, मतलब जो ऊपर ये एड्रेस आएगा तो कौन से एड्रेस से आपका ब्लॉगिंग होना चाहिए। तो अब अपना नाम, खुद का भी नाम डाल सकते हैं या टेक्निकल जो टाइटल दिया उसके ऊपर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं निकेतन टेक्निकल। यहाँ पे आप चेक कीजिए कि आपको एग्जैक्टली वो ब्लॉग मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे चेकिंग एड्रेस अवेलेबिलिटी हो रहा है, तो ये अवेलेबल है। तो निकेतन टेक्निकली आपका अभी एड्रेस मिल गया, आपका टाइटल मिल गया टेक्निकल इन्फो। अभी आपको थीम चूज करना है, तो ऐसे अलग अलग थीम्स है, तो जो आपको थीम अच्छी लग रही है उसके ऊपर आपको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने ट्रैवल पर क्लिक किया क्रिएट ए ब्लॉग करके, तो अभी देखिए ये आपका ब्लॉग बन गया। अभी यहाँ पे पूछेगी कि आपको डोमेन चाहिए, तो यहाँ पे आपको नो थैंक्स ही करना है। ओके, तो ये आपका अभी पूरा का पूरा ब्लॉग बन गया। अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना चालू करना है। तो यहाँ पे आता है न्यू पोस्ट, सिंपल रेगुलरली आप इसको अपडेट करोगे तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अभी ये पोस्ट जो है, इस पोस्ट का नाम क्या देने का है, सपोज आपका आपको देना है हाउ टू क्रिएट ब्लॉग। आपने क्या किया, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन ब्लॉगिंग की डाल दी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो यहाँ पे अलग अलग आपको दिया है, यहाँ से आप अपने हेडिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक जैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट चलता है, यहाँ से आप अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो हम एक नया इमेज लेते हैं, सपोज ये अपनी इमेज लिया, इमेज आप अपने ब्लॉग को सजा सकते हो। सी
जैसा इसको प्लेस करना है आप उस हिसाब से इसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये ब्लॉगिंग में कैसे दिखेगा। सी, ये आपका ब्लॉग आ गया यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके, एंड ये एक बार आप जब कंफर्टेबल हो गए तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। सी, ये आपका पोस्ट 1 आ गया, यहाँ पे आपकी तारीख दिखाई देती है। इससे थ्रू आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने आपको आपको पब्लिश करना है पब्लिश करके आपके ब्लॉग को सजा सकते हो। ओके, इसके बाद आपका आएगा ये आपका लेआउट आता है। लेआउट, लेआउट मतलब आपका एग्जैक्टली ब्लॉग दिखेगा कैसे। तो सी, यहाँ पे अलग अलग लेआउट है आपका। जो हमने स्टार्टिंग में देखो टूरिज्म का जो थीम लिया था, तो ये थीम का लेआउट ऐसे दिखेगा। तो सपोज उसके ऊपर ये आपका बार है, हेडर में आपने डाला है टेक्निकल इन्फो, या अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। टेक्निकल इन्फो को मुझे इन्फॉर्मेशन करना है, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन डालना है, दिस ब्लॉग विल गिव यू एन इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लॉगिंग। ओके, यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हो, जो लोगो है आपका ये लोगो डाल सकते हैं, सब कुछ डाल के आप सेव कीजिए। जो भी आपको क्रिएटिविटी दिखानी है आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। देन आपका ये क्रॉस कॉलम है, यहाँ पे आप गैजेट कह सकते हैं। अभी गैजेट का इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं। तो ब्लॉगिंग ने आपको अलग अलग टूल्स दिए हैं, ये देखो ये एडसेंस, गूगल का जो एडसेंस है कि जहाँ पे आप अपने अगर एड्स आपको दिखाई देना है, तो अगर आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक बढ़ गया तो आपको गूगल यहाँ पे एडसेंस भी दे सकता है। ये फीचर पोस्ट है, प्रोफाइल आपको कैसे दिखना है, पेज हेडर है मतलब आपके पेजेस कैसे आपको मेंटेन करना है, इमेज है, तो आपको जो सब फीड है, लोगो आपको ये लोगो यहाँ पे सपोज हम डाल देंगे, इसमें से आपने ये लोगो चूज़ की दिए। ये एडेड फीचर्स है कि उस फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अबाउट मी, यहाँ पे आप अबाउट मी में आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का पूरा लोगो को सब कुछ डाल सकते हो। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पता चल जाएगा। देन सपोज अभी और एक गैजेट को हम ऐड करते हैं, जो है आपके पेजेस। हाँ, अभी इसमें कैसा, ये पेजेस है आपका, सपोज आपको आपके वेबसाइट का प्रमोशन करना है। जैसे अभी मेरे वेबसाइट का नाम है www.brightweights.in। ओके, या आपको आपके फेसबुक इंस्टाग्राम का देना, तो ये जितने वेबसाइट आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड बाकी जो है ये सेव करके यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो कलाकारी आपको करना ही है आप कलाकारी कर सकते हो। थीम में वापस जाके आपको चेंज करना है तो आप थीम में वापस जाके चेंज कर सकते हो। इस वे ये नीचे आपको अलग अलग प्रोसेस दिए हैं, बट ये आपका वेब, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का ब्लॉगिंग आपको मोबाइल पैसे देखेगा एंड वेबसाइट पैसे देखेगा। देन सेटिंग में जाके आप चेक करोगे तो सेटिंग में आपका ये वापस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी एडिट हो सकता है। ये आपका ब्लॉगिंग अगर आपको चेंज करना है या एड्रेस चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ आपका जब रेडी हो जाता है तब अभी हम आपके ब्लॉग को देखते हैं। This way your blog will look like. See. तो ये ऐसे जितने भी यहाँ पे जो आपका हमने एक ही पेज अभी अपलोड किया, पोस्ट अपलोड किए, तो ये पोस्ट यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे हम ब्राइटवेज का वेबसाइट जो डाला था, इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरा मुझे लेके जाएगा मेरे वेबसाइट के ऊपर। तो this way you can maintain your blog. तो आपके फ्रेंड्स आप जो अभी आप देख इस ये लिंक आपके फ्रेंड्स के पास भेजोगे तो वो आपके इस ब्लॉग को रीड करने के बाद कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके आप फेसबुक आपके आइकॉन्स को आइकॉन्स के थ्रू भी प्रमोशन कर सकते हो। तो दिस इज प्रीव्यू। जब आप एक्चुअल वेबसाइट को देखोगे, आपके कमेंट्स पे डालोगे तो आपको ये अच्छा प्रॉपरली दिखाई देगा। तो लेट्स चेक आउट कि आपका ब्लॉगिंग कैसे दिखता है। तो ये कंट्रोल से हमने किया,
और एक अलग एड्रेस बार में जाके सी योर ब्लॉग इज रेडी। तो ये सिर्फ लिंक आप किसी को भी भेजोगे तो ये आपका पूरा ब्लॉग रेडी हो गया। यहाँ पे आप अपने फेसबुक के थ्रू ये शेयर कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था brightwaves.co.in वेबसाइट एक्टिवेट हो गया है, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है। तो आई होप कि आपको ये पूरा ब्लॉगिंग का समझ गया होगा। आपको अगर कुछ डाउट्स हो गए तो ये डाउट को आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ओके, एंड उसके ऊपर भी हम पूरा सोल्यूशन आपको देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप अपने अभी ब्लॉगिंग को बनाइए, उसको सजाइए और आपके रेज्यूमे के ऊपर भी ये पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपके दिमाग में और कुछ वीडियोज ऐसा कुछ टॉपिक्स होगा तो प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, जिसके थ्रू हम वीडियो आपको लेके आएंगे और आपके स्किल को इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स अ लॉट।